अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू नवाबी फूड्स। कैसे हैं? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाएंगे जी वेजिटेबल जो है ये रोल बनाएंगे घर में। इसमें जो चीज़ें डलेंगी वो मैं आपको बता रही हूँ। ये चिकन है मेरे पास, ये देखें पास में शोर डाल रहा है बच्चा जो है हमारा। ये मेरे पास चिकन है, ये इसमें फ्राई करके डालेंगे। ये है बंद गोभी है और ये शिमला मिर्च है, ये गाजर है, ये पट्टियाँ हैं हमारे पास ना, ये पट्टियाँ हैं। ये समोसा पट्टी है, आप बाज़ार से भी ले सकते हैं। अगर आपको जल्दी है तो आप बाज़ार से ला के मतलब बना सकते हैं। मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। ये देखें ऐसे कद्दूकश कर लेंगे ऐसे, ये सही रहेगी ना हमारे रोल में, ये सही रहेगी, इसलिए मैंने कहा कद्दूकश ही कर लेते हैं ना। सब जगह जो है रोल जो है बच्चे बाहर से लेके आते हैं, बहुत महंगे मिलते हैं, आपको पता है आजकल बहुत महंगाई है। रोल घर में बनाया करें, ये मेरी रेसिपी जो है ये आपने फॉलो करनी है, बच्चों को घर में बना के दें, बन भी ज़्यादा जाते हैं और ये है कि सारे खा भी लेते हैं और पैसे भी हमारे काम लगते हैं और चीज़ भी अच्छी बन जाती है ना। तो रोल मैं बना लगी सा, मैं अभी घर बना के बच्चे खान करन, एक तो चीज़ खालस हो जाती है, आप जी बंदा खुद बनाता है ना वो बहुत अच्छा लगता है ना, खुद बना के बंदा अपने हाथ ना चीज़ खाए तो बच्चों भी खवाए। ऐ देखो इस तरह तुसा ना पूली ये कद्दूकश के ना इनू बरीक बरीक कर लेना, तो जिन्नी तुहानू चाहिए सब्जी ज़्यादा बनाने ने ज़्यादा कर लो, कम बनाने ने तो कम बना लो, उस हिसाब ना ही तुम अपन चीज़ा जड़िया ने वो लैनिया ने। बहुत सादा तरीके दे नाल तुहानू मैं बनाना सिखानी हाँ, तुसी मेरी पूरी वीडियो वेख्या करो, मेरे नाल तामन किया करो तो ये वेख के रेसिपी मेरी पूरी वेख्या करो, फिर पता चलता है कि किवें बनी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक किया करें और पूरी वीडियो मेरी देखा करें आप। ए वेखो जी सब्जियां मैं कद्दूकश कर लिया ने, वेखो किनिया प्यारियां लगन लगियां ने, एवें बिच पावांगे ना फिर वो साडे रोल जिहड़े ने उन्होंने सब्जी बाहर नहीं आवेगी। तो हूँ मैं कढ़ाई चूल्हा मैं चला दिता है, ए वेखो चूल्हा मैं चला दिता है, बहुत जल्दी जल्दी है भी सानू कि गैस ना टुर जाए, फिर इतने बंदा की कर सकता है। एवें ये ना मैं घ्यो पावी थोड़ा जहा, आयल नहीं पा, रस ला दिता ने वह इन्ना शोर आ रहा बिच, तो ये कुड़ियाँ जड़िया ने इन्होंने मैं की दसो करा भाई। हर बंदे की अपनी मर्जी, हर बंदे की अपनी मर्जी, किचन चलती धुआं हो गया। ऐ वेखो घ्यो मैं पा दिता से चूल्हे कढ़ाई के आखन लगी स चूल्हे इन उसी ना जरा अच्छी तरह ना फ्राई करना, यदि स्मैल ना आ गई, स्मैल बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। हम छोटी छोटी कटिंग कर लेंगे, मैं नज़र आ रहा होना बिल्कुल छोटी कटिंग करनी है। ऐ वेखो काली मिर्च पाने लगी है, काली मिर्च ना जरा स्पाइसी हो जाएगा, मज़ेदार रोल लगेगा सूने फिर चमचा ला देंगे। इनू जरा मैं फ्राई करनी है थोड़ी देर वास्ते, फिर तुम खाने सब्जियां पानिया ने, सब्जियां जड़िया ना साड़िया जो अच्छे पानिया ने तो उन्होंने पानी नहीं उन्होंने छड़ना चाहिए ना, आग जी अग इसी चूल्हे की वो तेज़ रखनी। दसों की चमचा घट लाओ, चमचा ना लाइए तो चीज़ जल जाएगी, थले लग जाएगी कढ़ाई जी साड़ी, सब्जियां ने ना अजय इन्हों समझ नहीं है। ये चिकन हजे भी मैं मोटा मोटा लग रहा है, बच्ची ने कटिंग की है, मेरी बहू आँदी है मोटा है चिकन, इनू मैं ना ये रेचे बनावी, इनू फ्राई कर लेंगे फिर हम ठंडा करके रेचे बनावे, क्योंकि साड़ी रेसिपी खराब ना ना हो जाए, ये तो तैयार रखना है ना, बहुत महंगा चीज़ा आंदा ने अजकल। वेखो फिर मैं आँदी कि चम्मच घट लाओ, ये हम तुम दसना कमेंट करके कि चम्मच ज़्यादा हिलाना चाहिए ज नहीं हिलाना चाहिए। ऐ वेखो गाजर पा देंगे, ऐ शिमला मिर्च है, ऐ साड़ी बंद गोभी है, ऐ वेखो ये सारिया सब्जियां मैं कद्दूकश तुहाडे सामने कीतियां ने, तुसीं इसे तरह ही करनियां ने। ऐ सब्ज मिर्च इहदे नाल थोड़ा स्पाइसी ते अच्छे बनेंगे, ये भी बारीक बरीक कट लई सी। ऐ
से अच्छी तरह ट्रेन जरा साफ करनी है, ये तो चीज जाया नहीं होनी चाहिए। ओहो गैस चली गई जे, हो गई गैस, हूँ कर लो जो करना है कर लो, मेरा कोई नहीं, मैं उदो भी आने सर छेती कर लो, छेती कर लो, चला दिखाई थलो मैं क्या सिलेंडर चला, नहीं मेरी रिकॉर्डिंग तो नहीं करी जाती, मैं बड़ा भैड़ा बोलन रही हूँ पंजाबी, तो फिर इस तरह ही बच्चे कोई लफ्ज़ आ ही जाते हैं एवें, कोई गल नहीं पंजाबी बड़ी अच्छी बोली है माशाल्लाह, साडा कल्चर है। मेरे को सोया सॉस है, ये देखिए मैं सोया सॉस डालूंगी इसमें, ये एक चम्मच डालने आप, इससे टेस्ट अच्छा आता है, पसंद करते हैं बच्चे। यह चिली सॉस है मेरे को, यह देखो चिली सॉस है, ये पावे एक बड़ा चम्मच भर के पा लवो, यह देखो बड़ी, चलो इन्नी बड़ी है, हूँ इन थोड़ी देर वास्ते भुन के ना, बस समझो कि सब्जी मेरी तैयार है, इन मैं लाने लगी हूँ कढ़ाई में, मसाला साडा तैयार हो चुकी है जी, इसको मैं ठंडा होने दूंगी, मैंने चूल्हा बंद कर दिया, इसको ठंडा करके फिर मैं रोल में ना इसको डाल के फिर आपको बताती हूँ कि रोल कैसे बनाने हैं। ये देखें ऐसे प्लेट में डाल लें, इसको ठंडा होने दें, तो ये जो थोड़ा थोड़ा मेरा गोश्त है ना जो मोटे टुकड़े ने, इन्हों मैं बरीक करा दी, ए वेखो ये ठंडा होंगे फिर रोल बना के ना मैं तुम्हें खानी हूँ। टेबल हमारी तैयार हो चुकी है, ये देखे ठंडा हो चुका है, अब इनको हम रोल में लगाएंगे, ये पट्टियाँ हैं हमारी, ये रोल जो है उसको थोड़ा सा मैदा लगाएंगे, जब उसको बनाएंगे ना तो थोड़ी सी हमें ज़रूरत पड़ेगी, ये देखें ये थोड़ा सा पानी डाल लें, बस इतना ही काफ़ी है, ऐसे पतला सा हम बनाएंगे, इसको ऐसे हल कर लें अच्छी तरह से, इससे ना हमारा वो चिपक सा जाएगा जब हम उसमें ये सब्जियां वगैरह डालेंगे ना, तो रोल हमारा उसकी ज़रूरत पड़ेगी, ये हम लगाऊंगी ना तो मैं आपको दिखाती हूँ, चलें अच्छी तरह साइड से भी करें, ये साइड से भी हो गया अच्छी तरह से, हमने इसको बना लिया, ये देखें, ये मैं आपको ना रोल बना के दिखा रही हूँ, ये देखें ऐसे थोड़ी सी वेजिटेबल रख लें, देखो ऐज रख लीए, ए लावे ना मैदे का मिक्सचर लावे, ए जरा बनाया ए लगा लो, ये इस तरह करके इधर से पकड़ के इसको ऐसे कर लें, ऐसे कर लिया, हूँ इन असी ये कर लेंगे, ऐ वेखो हूँ इन इस तरह पकड़ के असी इस तरह कर लेंगे, ऐ वेखो ये इस तरह थोड़ा जहा मैदा ला लेना ताकि ये जरा ना साडा रोल फिर खुले ना, ऐ वेखो इस तरह लगा लेना, यह साडा रोल बन गया, वेखो इस तरह रख दे जाओ, ये उत्ते कढ़ाई रख दीती, ए वेखो हूँ मैं ये ऑयल पान रही हाँ, ऑयल बहुत नहीं इन्ना, ऑयल डाली है कढ़ाई में, इसको गर्म होने देंगे, इसी तरह से मैंने ये रोल जो है ये बना लिए हैं, ये देखें ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, ये देखें ऐसे रखते जाएं, ऐसे ही हम रोल जो है ऐसे सारे रखते जाएंगे, ये देखें बस इतने काफ़ी हैं, बाकी मैं फिर डालूंगी कढ़ाई में, ये अच्छे तरीके से बन जाएंगे ना, इन्हों इस तरह आराम नाल इस तरह साइड जिहड़ी पलटा लवो, ये देखें ऐसे माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ रहा है, और ख़राब भी नहीं हो रहे ना पट्टियां हमारी, ये देखें
ऐसे ही आपने बनाने हैं, जितने आपको चाहिए उतने बना लें, जितनी आपको ज़रूरत है उतने बना लें, बाकी का मसाला जो है वो फिर काम आ जाता है, आप ज़ाया ना करें, उसको फ्रिज में रख लें। ये देखें, ये भी हमारे रोल तैयार हो चुके हैं। ऐसे घी, इसलिए इधर मैं इसलिए रख रही हूँ कि घी इनका ना इधर इसी प्लेट में रह जाए। ये देखें, अब आप ऐसे रख लें, इधर रख लें, डिश आउट कर लें ऐसे करके। देखें जी, बेहद लजीज और मज़ेदार चटपटे रोल हमारे तैयार हैं। ये देखें, मैंने डिश आउट कर दी है, साथ में मैंने केचप रखी है। आप चटनी भी कोई रख सकते हैं, जो चीज़ भी आपको पसंद है उसके साथ खाएं, साथ में चाय बनाएं, बहुत मज़ेदार हैं। करें चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक किया करें। कल फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।